शुक्रवार को दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने अनुमान के मुताबिक पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। ललन सिंह की माने तो लोकसभा चुनाव में सक्रियता को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। ललन सिंह के इस बयान का आखिर क्या मतलब है, फिलहाल इस पर मंथन जारी है। यहाँ अहम सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलना आखिर तय क्यों था। बैठक से पहले पार्टी के शीर्ष नेताओं ने भी कयासों को खारिज किया था और कहा था कि ये एक आम बैठक है जो कि हर साल आयोजित की जाती है। खुद नीतीश कुमार ने भी पत्रकारों को यही जवाब दिया था, लेकिन बैठक में सारे पत्ते खुल गए। ललन सिंह ने आखिरकार इस्तीफा सौंप दिया और अध्यक्ष पद के लिए नीतीश कुमार के नाम की सिफारिश की, जिसके चलते पार्टी की कमान एक बार फिर नीतीश कुमार के हाथों में आ गई है। उनका अध्यक्ष बनना लगभग तय भी माना जा रहा है, बस औपचारिक घोषणा होना बाकी है। ये दूसरी बार होगा जब नीतीश कुमार पार्टी की कमान संभालेंगे। वहीं मीटिंग से पहले जेडीयू के कई नेता नीतीश कुमार के समर्थन में नारे लगाते हुए भी नजर आए। वो देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, जैसे नारे लगा रहे थे। इतना ही नहीं, इंडिया मांगे नीतीश, गठबंधन को अगर जीत चाहिए तो चेहरा नीतीश कुमार चाहिए, जैसे पोस्टर भी मौके पर दिखाई दिए। देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वही मामले को लेकर बीजेपी की तरफ से काफी ठंडा रिएक्शन देखने को मिला है। सुशील कुमार मोदी से सम्राट चौधरी तक इसे पार्टी का अंदरूनी मसला बता रहे हैं। देखिए, हम क्या फैसला लेने वाले हैं नीतीश जी, उनकी पार्टी का मसला है, इस पर हम क्या बताएंगे। लेकिन जो चर्चा है, उस चर्चा के आधार पर कोई बड़ा फैसला अगर नीतीश जी ने लिया तो थोड़ा फायदा बचाव नीतीश जी का हो सकता है, पार्टी का हो सकता है। वरना पुराने पैटर्न पर ही अगर चलते रह गए तो जेडीयू को बर्बाद होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है। तो अब इसको अब नीतीश जी किस रूप में सोचेंगे, तुरंत बर्बाद होने दें या धीरे धीरे बर्बाद हो, अब इसके बीच का फैसला तो नीतीश जी करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदले जाने, राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसलिए हमने कहा ना, बड़ा फैसला का मतलब वही है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलाव की बात जेडीयू में हुई तो पार्टी को थोड़ा सा कुरामिन मिल जाएगा, अगर नहीं हुई तो पार्टी मतलब अब ज्यादा दिन नहीं होगा कि अब पार्टी धीरे धीरे समाप्त। पार्टी को बर्बाद कर रहे थे निश्चित रूप से। अभी जो कुछ भी हुआ, जब से एनडीए से नीतीश जी हटे, तब से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जो कुछ भी उन्होंने किया, इस बात का एहसास नीतीश जी को होगा ही, और रोज बरोज पार्टी का नुकसान हुआ है, इसमें कहां दौड़ा। देखिए, ये जनता दल यूनाइटेड का अपना मामला है, वहाँ की लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है। हम आज भी तैयार हैं कि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल मिलकर चुनाव लड़े, दोनों को हराने का काम है जेडीयू में, जो खुद के सामने आ गया सर। देखिए, नेता तो सिर्फ एक ही है नीतीश कुमार, वहाँ दूसरे और तो है नहीं। तो नीतीश कुमार जी कभी आरसीपी जी को अध्यक्ष बनाए, कभी ललन जी को अध्यक्ष बनाए, कभी और किसी को अध्यक्ष बनाएंगे, ये उनका दायित्व तो है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि हम पूरे महागठबंधन और इंडी गठबंधन के लोगों को हराने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।